हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बिश में फिर से आपका स्वागत है। ये महाराजा कंपनी की 500 वाट की मिक्सर है। इसमें प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये बिल्कुल जाम है। कस्टमर का कहना है कि सप्लाई देने पर ये गूं की आवाज़ कर रहा है और हाथ से घुमाने पर बिल्कुल नहीं घूम रहा है। तो आइए दोस्तों, इसमें एसी सप्लाई देकर एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें सीरीज में सप्लाई मैं दे रहा हूँ ताकि इसका कंडीशन मालूम हो कि इसकी मोटर काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, सीरीज में इसका बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है इसका मोटर की सर्किट काम कर रहा है। अब इसे हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं दोस्तों, इसे ऑन करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं घूम रहा है और मोटर से हल्की सी आवाज़ आ रही है दोस्तों। हो सकता है ये आवाज़ आपको सुनाई ना दे रहा हो। तो आज हम इसका रिपेयर करेंगे और ये भी कारण बताएंगे कि किस किस पोजीशन में जाम हो जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। वीडियो पसंद आए आपको तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत का सामना करना पड़ता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये महाराजा कंपनी के मिक्सर ग्राइंडर है, महाराजा की व्हाइट लाइन मॉडल है और ये 500 वाट का है। जो आपके इसके पीछे स्टिकर पे सारे चीज मिल जाएंगे कि किस कितने वाट का है और कितने वोल्ट से चलता है, ये सब सारे चीज लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। और ये मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों, चाहे किसी भी मिक्सर में अगर ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों, इसके लिए मोटर को बाहर ओपन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोटर से ही आती है। शाफ्ट और बूस्ट का ये प्रॉब्लम है जो जाम हो जाता है। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम अक्सर जार होते हैं, मिक्सर जार बड़ा हो या छोटा हो या मीडियम साइज का कोई भी हो, उसमें से पानी रिसाव करने की वजह से पानी इसके अंदर चला जाता है इसके शाफ्ट के थ्रू, तो इस कारण ये बिल्कुल जाम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्सर को काफ़ी दिन तक रख दिया जाता है यूज करने के बाद से, तो उस पोजीशन में भी ये मिक्सर जाम हो जाता है। आइए इसको खोल के देखते हैं किस कारण से ये मिक्सर जाम हुआ है। तो दोस्तों, किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को खोलने के लिए उसके पेंदी में स्क्रू लगे रहते हैं चारों तरफ। तो दोस्तों, ये मिक्सर ओपन हो गया है, इसका मोटर तो बिल्कुल चमचमा रहा है दोस्तों, कहीं से भी जला वाला दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है इसका मोटर। और इसमें ये ओवरलोड कट भी लगा है दोस्तों, लेकिन इसको किसी ने डायरेक्ट कर दिया है, किसी कारीगर के पास गया है। तो देखिए, दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर दिए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ को नया जरूर डाल देना चाहिए अगर ये चीज़ खराब रहे, क्योंकि ऐसा करने से मिक्सर की मोटर जल सकता है। ये जो इसके ऊपर से चिपचिपा टाइप का पानी दिखाई दे रहा है और इसके मिक्सर के अंदर भी चिपचिपा टाइप का पानी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जार के थ्रू पानी इसके अंदर आ गया है, इसी कारण हो सकता है ये जाम हो। लेकिन इसको खोलने के बाद से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मोटर को बाहर निकालने के लिए दोस्तों, इसका कपलर को खोलना बहुत ही जरूरी रहता है। तो आइए सबसे पहले इसके कपलर को खोल लेते हैं, इसके ढक्कन को फिर उसी जगह पे फिट कर देते हैं जहाँ पे था। ये कपलर को खोलना रहता है दोस्तों। अब कपलर खोलने से पहले सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये कपलर थ्रेड वाला है या बिना थ्रेड वाला है, तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, वीडियो लिस्ट में मैं इसका वीडियो पहले भी दे चुका हूँ, आप चाहें तो आई बटन दबाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कपलर मैंने पहचान कर लिया है, ये कपलर थ्रेड वाला है। तो थ्रेड वाला कपलर को खोलने के लिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और एक प्लायर लेंगे दोस्तों, और जिस दिशा से खुलेगी ये क्लॉकवाइज खुलता है और सारे नट क्लॉकवाइज टाइट होते हैं, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर का कपलर क्लॉकवाइज खुलता है और एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है। तो इसे क्लॉकवाइज के रूप में इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे इसको हीट करेंगे, जैसे यहाँ पे पेचकस लगाकर यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा दोस्तों। तो आइए इसे हीट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कई बार के हीट में बिल्कुल खुल गया, ये थ्रेड वाला है, और बिना थ्रेड वाला रहेगा तो इसको आसानी से आप ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। ये कपलर खोलने के बाद से ये मोटर आसानी के साथ अपने हाथ में आ जाएगा। इस निचली कवर को मैं अलग रख दे रहा हूँ, अब मोटर ऊपर आ जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। अब दोस्तों, हमें इस कनेक्शन को हटाना है, लेकिन ये कनेक्शन हटाना बिल्कुल मुश्किल रहेगा, इसीलिए हम इस रोटरी स्विच को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो रोटरी स्विच को बाहर निकालने के लिए इस नॉब को हटाएंगे और यहाँ पे एक नट दिया हुआ है, इस नट को हम खोल देंगे। सबसे आसान तरीका यही होता है। ये बिल्कुल मोटर अपने हाथ में आ गया, ये बॉडी अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे
इसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर कितना कचरा है, तो ये तो कन्फर्म हो गया दोस्तों कि जार के लीकेज करने की वजह से, इस पर पानी का रिसाव आने की वजह से ये बिल्कुल जाम हो गया है। ये बिल्कुल घुमाने से बहुत ही प्लायर से घुमा रहे हैं, हाथ से तो घूम ही नहीं रहा है। देखिए दोस्तों ये प्लायर से बिल्कुल बहुत ताकत लगाने के बाद से ये घूम रहा है। जाम होने की और भी कारण होती है दोस्तों, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इसके आर्मेचर जल जाते हैं, उस पोजीशन में भी ये मिक्सर जाम हो जाता है। इसके जंग को हटाने के लिए इस पर हम मोबिल ऑयल डालेंगे ताकि थोड़ा सा प्ले हो, उसके बाद से देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इस पर हम मोबिल ऑयल डाल देंगे, या सिलाई मशीन की ऑयल भी डाल सकते हैं, और ऑयल डालने के बाद से इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत टाइट घूम रहा है। अब थोड़ा फ्री हुआ है दोस्तों ये, थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे यहाँ पे। अगर दोस्तों ऑयल डालने के बाद से भी ये बिल्कुल फ्री नहीं हो रहा है, तो इसके बॉडी को खोलकर इस शाफ्ट को अच्छी तरह से सफाई करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑयल डालने के बाद से बिल्कुल ये फ्री नहीं हो रहा है, इससे भी ज़्यादा इसको फ्री होना चाहिए। तो आइए इसके बॉडी को खोल कर ही इसका सर्विस करते हैं। तो दोस्तों बॉडी को खोलने से पहले इस पर मार्क ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि बॉडी फिट करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। दो नंबर इस कवर पर भी लगा दिया हूँ, और दो नंबर कवर साइड में लगा दिया हूँ। यहाँ पे मैं एक नंबर लगा दे रहा हूँ, और इस पर भी एक नंबर लगा दे रहा हूँ, कि पता चले कि कौन सी कवर किस साइज का है। तो दोस्तों इस कवर को खोलना तो बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि निचली कवर पर कोई जंक नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो इस कवर को खोलने के लिए यहाँ पर हम रिंच का प्रयोग करेंगे, इस साइज़ का जो इस लगा हुआ है, या प्लायर से भी आप इसे खोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका आर्मेचर निकल चुका है। मिक्सर में दो भाग होते हैं दोस्तों, ये फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों कॉइल, और ये आर्मेचर होता है, यही दो भाग इसमें होता है। अब दोस्तों इसका बूस्ट जो है इस शाफ्ट से बाहर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें इस पेपर से, स्ट्रेस पेपर से इसको रगड़ना पड़ेगा। दोस्तों इसके रगड़ने का प्रमुख कारण यह है कि इसका जंग को हटाना। तो दोस्तों इसका बूश बिल्कुल बाहर आ गया है, ये शाफ्ट होता है दोस्तों ऑल राउंड का, ये बूश है, यही जाकर यहाँ पे पानी गिरने की वजह से जाम हो गया था, इसीलिए बिल्कुल प्ले नहीं हो रहा था, फ्री घूम नहीं रहा था। तो अब दोस्तों इसे कपड़े से अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे यहाँ पे। दोस्तों जहाँ पे बूश घूमता है वहाँ पे सैंड पेपर से कभी नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि बूश शाफ्ट और पतला हो जाएगा, तो मिक्सर में प्रॉब्लम आ सकता है। इसे कपड़ा से ही साफ करना चाहिए, और बूश के अंदर भी एक पतली सी कपड़ा को लगाकर और बूश की भी सफाई कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सफाई हो गया है इसका। अब आइए एक बार इसके जगह पे ले जाकर फिर इसको घुमाते हैं, थोड़े से ऑयल डालेंगे तो और बिल्कुल फ्री हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल फ्री हो गया है, ऐसे घूमना चाहिए इसको। अब आइए इसे बॉडी के साथ फिट कर लेते हैं, और बॉडी के साथ फिट करके फिर इसे चला कर दिखाते हैं। तो दोस्तों इसे फिट करने से पहले इसकी कार्बन को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कार्बन लगा रहेगा तब तक ये रोटर अंदर नहीं जाएगा। इसको कार्बन को यहाँ से निकाल लेते हैं, कार्बन पिन को निकालेंगे, ये कार्बन बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ये देखिए दोनों कार्बन को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, ये दो कार्बन होते हैं दोस्तों इसमें। ये वाशर इस साइड से निकला हुआ है, इसी साइड इसको लगा देंगे, थोड़ा सा इसके आर्मेचर के कम्यूटेटर को भी सफाई कर लेंगे, थोड़ी सी ऑयल इस पर भी डालेंगे दोस्तों, इस शाफ्ट के ऊपर भी, फिर इस आर्मेचर को बॉडी के साथ फिट करेंगे।
इसके ऊपर वाले बॉडी को भी फिट कर देंगे। दोस्तों बूस के चारों तरफ ऑयलिंग कर दिया जाता है क्योंकि इसमें पहले से ही गद्दी लगा हुआ रहता है, तो इसके ऊपर से ऑयल डाल देंगे ताकि गद्दी के अंदर चला जाए। दोस्तों मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर लिया है, इसका कार्बन ब्रश भी लगा लिया है और ये बिल्कुल फ्री सा हो गया है। देखिए बिल्कुल आसानी से अब घूम रहा है। अब आइए दोस्तों इसको यहीं पे चला कर चेक कर लेते हैं बिना बॉडी के साथ फिट किए हुए, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये मिक्सर हमारा सही हो गया कि नहीं। सबसे पहले इसे टेस्टिंग सीरीज लैंप में लगा कर देख रहा हूँ कि मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों टेस्टिंग सीरीज लैंप में बल्ब ग्लो भी हो रहा है और ये धीरे धीरे घूम भी रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब इसे पावर सप्लाई देंगे। तो दोस्तों पावर सप्लाई देने से पहले इसको प्लायर से पकड़ लेंगे ताकि ये झटका ना ले, क्योंकि चलते समय ये बहुत तेज़ी के साथ झटका लेता है। आइए इसे चलाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आइए इसे बॉडी के साथ फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर को मैंने सेट करके बिल्कुल तैयार कर लिया है, अब इसे सप्लाई देकर टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने ये मिक्सर ग्राइंडर कितना फ्री होकर चलने लगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, यानी एक भी पैसा खर्च इसमें नहीं लगा। दोस्तों अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर जाम हो तो इस तरीके से आप भी सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में आप नए हो सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबाएं और ऑल ऑप्शन को भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।